How is the process of pollination different from fertilization? जो pollination है वो fertilization से किस तरीके से अलग है, ये हमें इस question में देखना है। ठीक है, तो ये difference आपकी screen पे आ गया है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। Pollination जो है, सबसे पहले understanding के लिए समझ लो, ये flowers में होता है। किसमें? Flowers में। किसमें? Flowers में। और fertilization जो है ये animals में भी होता है। किसमें? एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। इसमें ह्यूमन, अगर ह्यूमन को, अगर क्या चीज, ह्यूमन को क्या करना है, ह्यूमन बीइंग को, न्यू यंग वन को जन्म देना है, न्यू यंग वन को जन्म देना है, तो क्या चीज, वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाएगा। किसको? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। ठीक है, अब पॉलिनेशन देखते हैं क्या होता है। पॉलिनेशन में सबसे पहले तो एक चीज देख लेनी है कि यहाँ पे ट्रांसफर होता है। क्या चीज? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन्स का। किसका? पॉलन ग्रेन्स का। किसका ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसका ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन्स का। कहाँ से कहाँ होता है? एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन के एंथर में से स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल, स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल, स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या चीज, एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल, मीन्स जो ट्रांसफर है वो एंथर से स्टिग्मा के पास होता है। क्या चीज? एंथर से स्टिग्मा के पास। किसका ट्रांसफर? पॉलन ग्रेन्स का। किसका? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है ना, कि यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन्स का। कहाँ से कहाँ तक? एंथर ऑफ स्टेमन से स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल तक, स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल तक। ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में जो है ना, मैंने ये कहा है कि ह्यूमन बींग को अगर न्यू यंग वन को जन्म देना है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो अपनाएगा। अच्छा, अगर ह्यूमन बींग को नए यंग वन को जन्म देना है तो मेल भी चाहिए, मेल की रिक्वायरमेंट भी है, और प्लस फीमेल भी चाहिए। क्या चीज? प्लस फीमेल भी चाहिए ना, तभी तो नए यंग वन को जन्म दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, फ्यूजन होता है किसका? मेल जेमेट। किसका? मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट। किसका? फीमेल जेमेट का। इसमें किस प्रोसेस में? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। तो वही लाइन लिखिए ना, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल जेमेट्स। ठीक, सिंपल है। अब पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? पॉलिनेशन के लिए एक कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? एक्सटर्नल एजेंट्स, जैसे कि एयर, वाटर और कुछ इंसेक्ट्स भी। एयर, वाटर एंड कुछ इंसेक्ट्स भी, वही क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा के पास लेके जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा के पास लेके जाते हैं कौन? एयर, वाटर एयर कुछ इंसेक्ट्स। ठीक, अब देखो क्या चीज है, यहाँ पे वही लिखा है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स। और इन्हें हम क्या कह रहे हैं? पॉलिनेटर, जो पॉलन ग्रेन्स को लेके जा रहे हैं, मतलब जो पॉलिनेशन कर रहे हैं, उन्हें हम पॉलिनेटर कह रहे हैं। कौन कौन है? एयर, वाटर एंड कुछ इंसेक्ट। और दूसरी तरफ फर्टिलाइजेशन की तरफ क्या होता है? ये कहाँ होता है? ओव्यूल में। क्या कहाँ होता है? ओव्यूल में, मतलब जो फ्यूजन है। क्या चीज? फ्यूजन है। किसका? मेल प्लस फीमेल जेमेट का। वो कहाँ होगा? वो ओव्यूल में होगा। वो क्या होगा? ओव्यूल में होगा। क्या चीज? फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ होगा? ओव्यूल में। कहाँ होगा? ओव्यूल में। और उसके बाद क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। क्या बनेगा? जायगॉट। क्या बनेगा? जायगॉट। क्या बनेगा? जायगॉट। तो ये जो है बेसिक सा डिफरेंस है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में।